ये वाली अपनी है बड़ी रेत और ये है छोटी रेत। इस तरह से यहाँ पर ना ये पूरा आग लगती है, यहाँ रखी लकड़ियाँ। और ये बन रहा है, इसमें क्या बन रहा है? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो भाई मैं आया हुआ हूँ अजमेर दरगाह पे और अपने साथ है शाहनवाज भाई, जो कि पूरा आज अपने को इस वाले वीडियो में ना टूर देने वाले हैं दरगाह में, ताकि आप लोग भी अगर आओ तो भाई की कॉन्टैक्ट डिटेल भी आप लोगों को उस वाले वीडियो में मिल जाएगी। आप कहीं से भी आ रहे हो तो भाई आप लोगों को पूरा ज़ियारत वगैरह सब कुछ करवा दोगे कम्प्लीट, है ना। तो भाई का नाम है शाह नियाज अली, शाहनवाज नहीं है, शाह नियाज अली। तो कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो चलो अब भाई के साथ पूरा आप लोगों को भी दिखाते हैं, और मुझे भी बहुत सारी डिटेल भाई से ही नहीं मिलने वाली है इसी वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, अपना जो एंट्री पॉइंट है ना वहाँ से करेंगे स्टार्ट। तो भाई ये है अपना मेन एंट्री पॉइंट। अब चल रहे हैं अपन स्टार्टिंग अंदर, मतलब पूरा टूर स्टार्ट हो रहा है अपना यहाँ से। तो यहाँ पर ही अपनी ना ये फूल वगैरह के लिए, चादर के लिए, और पूरी दरगाह में ही दुकान है। खैर क्या नाम है दरवाज़े का? तो ये अपना है बुलंद दरवाज़ा स्टार्ट में, और यहीं से अपनी एंट्री होती है मेन अपना पूरा दरगाह के अंदर। छोटी डेग है, अंदर में बड़ी है। तो ये वाली अपनी है बड़ी डेग और ये है छोटी डेग। तो छोटी डेग तो मेरे हिसाब से कुछ अकॉर्डिंग कुछ बन रहा भी है इसमें ना। हाँ। तो चलो आओ देखते हैं, ये भी कवर करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ना ये पूरा आग लगती है, यहाँ रखी लकड़ियाँ। और ये बन रहा है इसमें क्या बन रहा है? चावल, मीठा चावल। मीठा चावल बनता है इसमें, नॉन वेज। जो आज तक कभी इसमें नॉन वेज नहीं पका। अच्छा। बिकॉज हर धर्म के दरबार में लोग आते हैं, उस वजह से आज तक इसमें नॉन वेज नहीं पका, सिर्फ मीठा चावल ही बनता है आज तक। अच्छा, मीठा चावल, दलिया वगैरह कुछ ऐसे टाइप का खाना बनता है? छोटी है वो बड़ी है, उसमें एक टाइम में 4,500 किलो खाना बनता है। इसमें 60 मन की है, वो 120 में, मतलब उससे आधी है ये, हाफ है। चलो बड़ी वाली भी देख लेते हैं फिर, तो बड़ी वाली इससे ज़्यादा ही बड़ी है, तो वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं। तो अब देखते हैं बड़ी वाली। यहाँ पर भी ना रात को कुछ बनने वाला है, सामान रखा है, देख लो। चलो भाई, तो ये है बड़ी देख, सब कुछ है इसमें, मतलब डला रहता है। और लंगर जो करवाते हैं लोग, उन्हीं के ऊपर रहता है कि क्या क्या बनवाना है? नहीं 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 नहीं, सिर्फ इसमें सिर्फ मीठा चावल ही बनता है। अच्छा, मीठा चावल ही बनता है। किसी को नॉन वेज वगैरह अलग से पकाना है, वो अलग से बन जाएगा वो। अच्छा, वो छोटी देखो में बनता होगा वो, इनमें इसमें सिर्फ एक ही चीज़ बनती है, सिर्फ मीठा चावल। अच्छा, दलिए की तरह होता है। महफिल खाना है। अच्छा, ये है महफिल खाना, ऊपर बोर्ड भी लग रहा है, मतलब नंबर प्लेट टाइप भी छोटा सा। और यहाँ पर अपना वजू खाना है, तो एक वजू खाना यहाँ है और एक आगे है इसी टाइप से। ये अपन आ चुके हैं और अंदर, आपकी बीवी की दरगाह है इधर में। अच्छा, इधर में आओ, आगे दिखा दो। हजूर करीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बीवी साहिबा हो, देख सकते हो आप। चलते हैं और आगे। बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ला है। अच्छा, ये मुहर्रम में 3 दिन खुलता है, जब माँ के और सोते हैं पाकिस्तान में, जो लोग पाकिस्तान नहीं जा पाते हैं, हाजिरी की नहीं हो जाते हैं, उनके चिल्ले पे हाजिरी करते हैं। सिर्फ साल में 3 दिन के लिए खुलता है? 3 दिन के लिए, क्योंकि 4 मुहर्रम से 7 मुहर्रम तक। अच्छा, जन्नती दरवाज़ा है। जन्नती दरवाज़ा, जन्नती दरवाज़ा जो उर्स साल में 4 दफ़ा खुलता है। अच्छा, सिर्फ उर्स पे? उर्स में भाई साहब की पीरों मोशा, तो उर्स में बकरा ईद के वक्त और ईद के वक्त 4 दफ़ा। उर्स में पूरे 6 दिन खुला रहता। उर्स में 6 दिन खुला रहता और साल में 4 बार उर्स में पूरे 6 दिन। अच्छा। फिर ईद खाली, दरबार मामूल होने का टाइम हो गया है। अच्छा, तो दरबार कब तक खुला रहता है? 9:30 बजे तक बंद हो जाता है, फिर अंदर सफाई होती है। अच्छा, ये बिल्कुल डोर क्लोज हो जाता है। और ये कव्वाली जो है रोज़ होती है? रोज़। किस टाइम? सारी नमाज़ों के बाद के टाइम बंद होती है। सारी नमाज़ों के बाद? तो कव्वाली जो है ना, वो सारी नमाज़ों के बाद रोज़ होती है। गेट ज़्यादा
मेन है दरबार खाया साहब का आस्थाना, मेन दरबार का गेट है ये, इसमें अंदर नहीं जा सकते अपन। और रिकॉर्डिंग बंद होने का टाइम हो गया, अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं, रिकॉर्डिंग अलाउड भी नहीं है। और रिकॉर्डिंग भाई अगर अलाउड होती ना तो भी मैं अंदर का रिकॉर्ड नहीं करता। चलो और देखते हैं आगे क्या है। आइए अब भाई कहाँ लेके चल रहे हो? तो ये आ जाता है अपना लेडीज़ वाला सीन, ये लेडीज़ वाला, तो ये लेडीज़ के लिए एरिया है और बाकी सारा गेट है दरबार का। अच्छा, तो जब लास्ट में सबसे गेट ये बंद होता है, सारे गेट बंद होने के बाद जब सफाई होके तब बाहर आते हैं ना, तो ये वाला गेट बंद होता है लास्ट में। अच्छा, ये अभी गेट जब बंद होने का टाइम होगा ना तो आपको कवर कर लेना। कैसे तो भाई उसी तरह से ना जैसे बाहर शॉप हैं तो यहाँ भी अपने को ये शॉप वगैरह मिल जाएंगी चादर फूल वगैरह लेने के लिए। और ये दुकानें तो खैर पूरी दरगाह में ही मिलने के वाली है अपने को, यहाँ पर ये टोपी वगैरह भी इसी टाइप से दुकानें मिल जाएंगी। तो चलते हैं भाई के हुजरे पे और वहाँ आप लोगों को भाई का कॉन्टेक्ट नंबर बता देते हैं। और जो भी मतलब अगर आने का प्लान कर रहे हो ना आप लोग भी यहाँ पर, तो भाई से कांटेक्ट करके और सारी ना आप लोगों को भाई भी एक अच्छी तरह से पूरा एक विजिट करवा देंगे। तो जो लंगर वाली लाइन है ना उसके पीछे की तरफ भी भाई घर में लंगर खाना है, नॉनवेज वगैरह, तो एक लंगर खाना इधर भी है, साइड लंगर खाना है, इसमें नॉनवेज वगैरह अगर अपन पकवाना चाहते हैं इधर पक जाता है। अच्छा, अगर किसी को नॉनवेज बनवाना हो ना लंगर के लिए तो वो उसका एरिया यहाँ पर अलग है। मतलब देख रहे हो कि दूसरे रिलीजन वाले जो भी आते हैं ना सबके लिए एक रिस्पेक्ट ही कह लो भाई है उसकी, इसको कि कई अगर वेजिटेरियन आ रहा है तो उसको उस चीज़ में ऐड ना हो, वो बर्तन ही अलग है, बर्तन ही अलग है। अच्छा, वो बर्तन सारा कुछ सेपरेट है, हर कुछ सेपरेट रहता है यहाँ पर ना, ये इस टाइप की छतरियाँ वगैरह भी है। मतलब अगर किसी को रेस्ट वेस्ट करना है, रात को सोना है ना, रात को पूरी रात को ही सो सकता है आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं होती ना। तो ये है और यहाँ पर ना ये देखो पूरी लंगर की लाइन लग रही है। अब ये लंगर का टाइम हो रहा है तो पब्लिक सारी इसके अंदर इस टाइप से वापस अंदर आ चुकी है। अब ये पूरा ना लंगर खाएंगे और सब अपने अपने घर, जिनको कई लोग रहते भी हैं यहाँ। अब चलते हैं भाई के उजरे पे। तो ये वाला है जो गेट ओपन है, अच्छा रामपुरी दल्लान, तो ये है रामपुरी दल्लान। इसकी क्या बता रहे थे आप अभी, रामपुरी दल्लान की नवाब रामपुर ने ये नज़र करा था। अच्छा, तो भाई एक बार आपका कॉन्टैक्ट नंबर पब्लिक को बता दो, अगर कोई यहाँ आ रहा है ना तो आपको कैसे कॉन्टैक्ट कर ले। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा नंबर भाई को मैंने दे दिया है, वो डाल देंगे यूट्यूब पे, और मैं बता देता हूँ एक बार आप भी बोल दो, 9610089807। और ये हुजरा है दरगाह में 85 नंबर हुजरे पे, कभी आप फ़ोन नहीं लगे किसी वजह से तो आप डायरेक्ट हुजरे पे विजिट कर सकते हैं। ओके, तो 85 नंबर हो रहा है और भाई का कॉन्टैक्ट नंबर मैं भी नीचे डाल दूंगा और आप लोगों ने सुन भी लिया है, तो अगर आप लोग भी आ रहे हो ना तो डायरेक्ट यहीं आकर के भाई से मिल लो तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना भाई? कोई ऐसा टाइमिंग वगैरह कोई दिक्कत थोड़ी है, ये है कि आने से पहले आप फ़ोन करके आओगे, आने से पहले फ़ोन करके आओगे तो और थोड़ा एक ना टाइम टेबल सेट रह जाएगा, है ना? तो चलो, कैसा लगा आप लोगों को वीडियो और भाई ने जो अपने को टूर करवाया पूरा दरगाह का, तो वो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर देना कमेंट करके। और आपका कोई नोन या कोई जानने वाला भाई आने वाला हो दरगाह में तो उनसे ये वीडियो शेयर कर देना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, इस वीडियो को लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल कर लेना अगली वीडियो के साथ इसी के नेक्स्ट डे। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी और घर वालों का भी। टेक केयर, बाय बाय।